तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों आज है सोमवार और हम लोग जाएंगे आज रात यात्रा घूमने के लिए। सुबह से ये जो काम में व्यस्त थे, प्लेट को लाने गए थे, ला के आके यहाँ पर अनलोड कर दिए। और दोस्तों थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद अभी शाम हो चुका है, रात यात्रा का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग आज आप लोग को पूरा रौरकेला एरिया का सब रात दिखाएंगे आप लोग को। तो दोस्तों आप लोग बता देना कॉमेंट में कि कौन सा रात यात्रा आप लोग को अच्छा लगा। सेक्टर एरिया जहाँ रौरकेला का बस स्टैंड है वहीं पर ही हम लोग जाएंगे, उधर ही। तो उधर ही सेक्टर है हम लोग का, तो वही सेक्टर में बहुत जगह में रात होता है दोस्तों, जो आम बागान करके नाम है उधर ही। तो दोस्तों उधर का सब रात आप लोग को दिखा रहे हैं। तो हम लोग दोस्तों झोल्डा से अभी निकल रहे हैं, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देवगांव का जो रात है वहाँ पर ये सब भी जा रहा है, इधर से लेके गया था एक बार, तो दोस्तों अभी लेके आएगा इधर। देवगांव का जो रथ यात्रा है देख सकते हैं, आज वो लोग पूरा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है उसको जाने के लिए। पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, अभी पेट्रोल भर के निकले। पेट्रोल भर लिए अभी यार। ये रहा हम लोग का हॉकी चौक पहुंच गए हैं, और थोड़ा दूर फिर हम लोग भी मजे ले सकेंगे। तो उधर भी हो रहा है दोस्तों और एक, लेकिन हम लोग ये सेक्टर तरफ जाएंगे अभी राइट टर्न कर लिए। दशहरा में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है दोस्तों, वही वाला है ये। तो हम लोग दो नंबर चौक से जा रहे हैं, देखिए लगते हैं सबके जगन्नाथ भगवान। तो यहाँ पर रहते हैं जोगे में, तो आगे तरफ भी वैसे ही है दोस्तों, आगे का मौसम तो और ज़्यादा गर्म है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि पास में जाके माहौल गर्म है, देख सकते हैं अनिल भैया को भी। अनिल भैया तो देख भी नहीं पाए, मैं तो दिखा दिया, वीडियो बनाना था इसलिए। तो दोस्तों यहाँ से और थोड़ा देर निकलेंगे दोस्तों, तो मैं आप लोगों को दिखा दिया। दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग निकलेंगे और दूसरा जगह। दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि इधर का और दो तीन जगह में आप लोग को दिखाना है, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग रुकेंगे शाम तक मंदिर पहुँचने तक तो वो मंदिर में ऑलरेडी पहुँच गया रहेगा अलगरनाथ सब। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ से जल्दी छोटा छोटा दिखा के हम लोग निकल रहे हैं और दूसरा जगह में आप लोग को वहाँ भी बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। ये हम लोग का साहिल भाई, हम लोग का जोड़ा में जो रहते थे सोनू उनका बड़ा भैया। ठीक का माहौल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अनिल भैया चुपचाप चुपचाप लग रहे हैं दोस्तों, सिर्फ मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अनिल भैया देख सकते हैं पूरा चुपचाप चुपचाप है। तो आप लोगों को तो दिखा रहे हैं, अनिल भैया को पूछते हैं थोड़ा कैसा लग रहा है उनके। तो अनिल भैया कैसा लग रहा है आपको आए? बहुत ही मजा लग रहा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि हम सोचे भी नहीं थे कि इतना मजा लगेगा बोल के, इतना सोचे भी नहीं थे, और आने से इतना मजा लग रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जो कि हम बचपन से ऐसे कभी मतलब घूमने नहीं गए हैं ना बचपन से, इसीलिए अभी जो घूम रहे ना ऐसा लगता है बोल के हम लोग को कभी पता नहीं था, आज मालूम चला कि ऐसे लगता है घूमने में। तो बहुत ही मजा लग रहा है दोस्तों,
दोस्तों चलिए चलते हैं वहाँ का, तो हम लोग को दिखा लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंबागन तरफ, तो अंबागन तरफ का देखते हैं। वो अभी जो सेकंड में दिखाए वो आरजीएस हॉस्पिटल करके है, वही का था वो, तो देखते हैं आगे तरफ वो कितना मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही अंधेरा सा लग रहा है, अगर यहाँ से रथ ले गया रहेगा तो भी हम लोग आगे मिल जाएगा, यहाँ का तो दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ नया मॉल यहाँ पर है, देखते हैं अगर घुसेंगे कि क्या करेंगे। डांसर सब नए नए क्रिएटर सब है ना, हर कोई यहाँ का लुक दिखे, हर एक वीडियो में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। दोस्तों ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, अंदर जाने से मजा आएगा, लेकिन अभी तक घुसेंगे नहीं अभी, क्योंकि यहाँ घुसेंगे तो रथ यात्रा चला जाएगा, क्योंकि साल में एक ही बार आता है दोस्तों, और अगर वो नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे। ये तो यहाँ के लिए आप लोग सेपरेट आएंगे, आप लोग दिखाने के लिए सेपरेट आएंगे यहाँ दिखाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल अभी के लिए बने रहिए, बहुत ही बागान से निकल के अभी हम लोग घर जा रहे हैं, छेड़ रास्ता में है, छेड़ का जो ओवर ब्रिज है उधर ही से हम लोग घर जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही मजा आया वहाँ पर, लेकिन दोस्तों आप लोग को जो बोले थे वो दिखा नहीं पाए, क्योंकि हम लोग हम बागान तरफ गए थे दिखाने के लिए। तो दोस्तों वहाँ देखे, वहाँ से देखने तक यहाँ जो टेलीफोन भवन बोल के रहे इधर, तो उधर का टान के वो लोग ले गया था। तो दोस्तों माफ़ करना दोस्तों, आप लोग को जो बोले थे वो दिखा नहीं पाए, लेकिन दोस्तों दशहरा हो रहा है